हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा और एक यूजफुल प्रोडक्ट लेकर आया हूं। इस प्रोडक्ट का नाम है क्रस्ट वायरलेस ब्लूटूथ कार किट। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करके आप अपनी कार को ब्लूटूथ इनेबल बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी कार है जिनमें आपको ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी नहीं देखने को मिलती है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो भाई आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो अपनी कार में, और उसके बाद आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आता है तो आप इसके थ्रू जो है अटेंड कर सकते हो। और भी अच्छी फंक्शनैलिटी जो है हमें इसमें मिलती है, जैसे कि इसमें हमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और उसके अलावा आप यूएसबी से ही जो है गाने वगैरह सुन सकते हैं। बहुत सी अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटी हमें ये देता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और डेमो भी दूंगा कि कैसे क्या ये जो है कनेक्ट होता है आपके कार से। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि इसका जो है मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो किसी एक लकी विनर को जो है ये मैं गिव अवे करूँगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं गिव अवे में। और हमारे जो पिछले गिव अवे के विनर थे उनको जो है प्रोडक्ट पहुंच चुका है, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम, और हमारा जो नेक्स्ट गिव अवे है वो इस ब्लूटूथ कार किट का है। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आप लोगों तक लेकर आ सकूं। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है, सामने की तरफ क्रस्ट लिखा हुआ है, उसके साथ साथ इसका जो मॉडल नंबर है वो है BT56 वायरलेस ब्लूटूथ कार किट। उसके साथ कुछ स्पेसिफिकेशन जो है सामने की तरफ लिखी हुई है, जैसे कि वायरलेस म्यूजिक कॉल ऑन द गो, क्विक चार्जिंग 3.0 को सपोर्ट करता है, मतलब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसके साथ यहाँ पे ब्लूटूथ 4.2 मिल जाता है हमें, कार वोल्टेज वगैरह को भी जो है बता देता है, CVC नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, HD स्टूडियो साउंड मिल जाता है, और भी बाकी की स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई कैसा क्या हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो भाई इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, सामने की तरफ क्रस्ट लिखा हुआ है, और उसके अलावा ऊपर जो है आपको अलग अलग बटन देखने को मिल जाते हैं। इन बटन की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। तो पहला तो ये है कि भाई ग्रीन वाला जो बटन है वो कॉल पिक वगैरह के लिए ही यूज़ होगा। उसके अलावा इसको जो है आप राउंड घुमा सकते हो, यानी कि आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे हैं, वो सॉन्ग को प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए है, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो इस बटन को, तो आप गूगल असिस्टेंट को भी जो है इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ये जो एक्चुअली जो डिस्प्ले है, यानी कि यहाँ पर आपको सारी फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल मिल रहा है, ये होल जो है वो माइक का काम करता है, तो ये जो है एक तरीके से माइक भी है, इंटरनल माइक। अगर आपके कार में माइक नहीं है तो भाई इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको दो पोर्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप पोर्ट ध्यान से देखेंगे तो भाई इस वाले पोर्ट में लिखा हुआ है QC 3.0, यानी कि ये क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो आपके जो कार में जो होता है वो नॉर्मल चार्जर होता है, लेकिन अगर आप इससे चार्ज करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी चार्ज होने वाला है। और ये वाला जो पोर्ट है वो आपकी म्यूजिक वगैरह के लिए, यानी कि आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके जो है आप म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। USB के थ्रू भी जो है आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो म्यूजिक वगैरह प्ले करने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया फंक्शनैलिटी जो है इसमें दी गई है। ये जो है कनेक्टर है जो कि आपके कार के सॉकेट में जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जो है मैं इसका आपको डेमो दे देता हूँ कि भाई कैसे क्या कनेक्ट होता है। तो फटाफट से हमारी कार में चलते हैं और इसको जो है यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस डिवाइस को अपने कार कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है आपको इसमें डालना है, ये एक तरीके का USB चार्जर कनेक्टर भी कहलाता है। तो इसमें जैसे ही आप इसको प्लग इन करेंगे तो ब्लू कलर की जो है डिजिटल नंबर्स आपको दिख जाएंगे, यानी कि ये डिवाइस जो है आपके कार से कनेक्ट हो गया है। तो ये जो नंबर्स हैं इनका मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है 104.2, इसका मतलब ये है कि भाई ये इस फ्रिक्वेंसी पर है अभी, यानी कि इतना मेगाहर्ट्ज़ इसमें है। मैं फ्रिक्वेंसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको जो है अपने कार से कनेक्ट करने के लिए आपको सेम रेडियो पे इसको रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको 104.2 लिख रहा है। सेम फ्रिक्वेंसी जो है आपको अपनी कार के रेडियो स्टेशन के साथ मैच करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कार का रेडियो ओपन करना होगा और 104.2 मेगाहर्ट्ज़ को जो है इसे लाना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ये ऑलरेडी कनेक्टेड था इसलिए 104 पे ऑलरेडी था। मैं इसको फिर से 104.2 पे लेकर आता हूं, जो कि मेरे डिवाइस का भी जो है सेम फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं FM रेडियो सिग्नल के थ्रू। अब सिंपली आपको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पे जाके आपको पेयर न्यू डिवाइस करना है। और वहाँ पे जैसे ही आप पेयर न्यू डिवाइस करेंगे तो आपको जो है वो डिवाइस का नाम आ जाएगा, यानी कि क्रस्ट BT56 करके आएगा, उस पर आपको टैप करना है और पेयर हो जाना है। जैसे ही आप पेयर करेंगे तो आपके कार के स्पीकर में से जो है कन्फर्मेशन आवाज़ आ जाएगी।
तो इस तरीके का जो है आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो बस सिंपली जो है अब आप अपने कोई भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ, आप जो है अपने वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो, अपने फ़ोन के वॉल्यूम को जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो है सॉन्ग्स वगैरह को नेक्स्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आप जो है सिंपली नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह करके भी इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये प्रोडक्ट हमें अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो हमें पड़ता है 1399 रुपीज़। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसका मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके साथ साथ आपको जो है इंस्टाग्राम पे हमारा जो पेज है उसको फॉलो करना होगा, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तीसरा जो सिंपल स्टेप है वो ये कि भाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना होगा कि आपको कैसा क्या ये प्रोडक्ट लगा है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कार है तो आप कौन से अपनी कार में जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल कोई भी कमेंट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो गाइस बस ये तीन सिंपल जो है रूल आपको फॉलो करना है। तो गाइस इस गिव अवे का रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए जो है मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है, वो ये कि भाई इस वीडियो पे जब भी 700 से ज्यादा लाइक्स हो जाएंगे तब मैं जो है इसका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। तो आपको जो है कुछ नहीं करना है, फटाफट से फुल सपोर्ट के साथ लाइक का बटन दबा देना है। जितने जल्दी 700 लाइक्स हो जाएंगे उतने जल्दी जो है मैं इसका गिव अवे कर दूंगा। तो गाइस फटाफट से करिए, उसके बाद मैं इसका जो भी गिव अवे की रिजल्ट डेट होगा वो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे या फिर कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा, आपको वहां पे पता पड़ जाएगा। उस दिन जो है मैं लाइव जाऊंगा और इसका जो है रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, जितने जल्दी लाइक करेंगे उतने जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।